हेलो फ्रेंड्स, सौम्यज किचन में आपका स्वागत है। आज बनाने बहुत ही टेस्टी मसाला ब्रेड जो कि 3 से 4 मिनट में बन करके तैयार हो जाती है। एक कढ़ाई लेंगे, उसमें 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल डालेंगे। ऑयल को पूरे में अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। शिमला मिर्च ली है, प्याज ली है और थोड़ा सा लहसुन लिया है। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो लहसुन को स्किप कर सकते हैं। 1/4 कप के करीब शिमला मिर्च है, 1/2 कप के करीब प्याज है और 1 टीस्पून से भी कम लहसुन है। अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। हल्की सी ट्रांसपेरेंट हो जानी चाहिए प्याज। प्याज जब ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, इसमें 3 से 4 टेबल स्पून टमाटो केचप डालेंगे, 1 टेबल स्पून चिली सॉस डालेंगे और 2 टीस्पून शेजवान सॉस डालेंगे। नमक डालेंगे टेस्ट के अनुसार, 1/2 टीस्पून से भी कम चीनी डालेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे, एक उबाल आ जाने देंगे अच्छी तरीके से। अब इसमें 1/4 कप के करीब पानी डालेंगे। पानी डाल करके एक उबाल आ जाने देंगे अच्छी तरीके से। जब पानी अच्छी तरीके से बॉईल हो जाएगा तब इसमें डालेंगे सिनेमन पाउडर यानी कि दालचीनी का पाउडर 1/4 टीस्पून से थोड़ा सा कम और अच्छी तरीके से उबाल आ जाने देंगे। उबाल आ जाएगा जब, उसके बाद इसमें 4 ब्रेड को इस तरीके से छोटे छोटे पीस में कट करके डालेंगे और फटाफट इसको मिक्स करेंगे। ब्रेड पानी को बहुत अच्छी तरीके से सोख लेती है फटाफट, तो जल्दी से ब्रेड को मिक्स करना होता है, नहीं तो नीचे जो ब्रेड होती है वो पानी को मसाले को पी लेती है और ऊपर की ब्रेड रह जाती है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी मसाला ब्रेड बन करके तैयार हुई है और 4 से 5 मिनट में बन करके तैयार हो जाती है। आप इसको टिफिन में रख सकते हैं सुबह के नाश्ते के लिए, शाम को चाय के साथ नाश्ते के लिए कभी भी बना सकते हैं। अब मैं इसको सर्व कर रही हूँ। ये देख सकते हैं बहुत ही अच्छी लगती है, ऊपर से महीन सेब, मोटे सेब, जो भी आपके पास हो वो डाल सकते हैं। और मैं पहले चीज़ डालना चाहती थी लेकिन पहले बेटे ने मना कर दिया और फिर बोलते हैं बाद में कि और डाल दो चीज़, तो चीज़ डाल दिए मैंने। आप अगर चीज़ डाल रहे हैं तो चीज़ को पहले डालें, फिर सेब जो महीन सेब है, मोटे सेब है, वो डालें। आपको रेसिपी कैसी लगी कमेंट करें, आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहता है। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के संग। बाय बाय।